जर्मनी अपने किलों और महलों के लिए जाना जाता है। अनुमान है कि यहाँ छोटे बड़े करीब 25,000 किले और महल हैं। आज हम आपको 5 दिलचस्प किलों के बारे में बताएंगे और उनका ड्रोन व्यू दिखाएंगे। आइए होहेनसोलर्न कैसल से शुरुआत करते हैं। योद्धाओं की किसी कहानी की तरह ये किला स्वाबियन आल्ब्रेंस की सोलनबर्ग पहाड़ी पर बना है। ये होहेनसोल परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ से कई राजा और सम्राट निकले हैं। देखा जाए तो ये कैसल अभी एक नई इमारत है। शायद ही इसका कोई हिस्सा 160 साल से ज्यादा पुराना हो। इसके कई बुर्जों, चारदीवारी और छतों की वजह से इसे नियो गोथिक कैसल आर्किटेक्चर का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। अब आइजनबर्ग के बार्टबुर्ग किले की ओर चलते हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की वजह से इसे 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ये किला करीब 1000 साल पुराना है। मशहूर कवि वाल्थर फॉन डे फोगलवाइडे की रचनाएं यहां गूंजती थीं। बार्टबुर्ग कैसल थुरिंगिया की सेंट एलिजाबेथ का घर भी रह चुका है। सुधारक मार्टिन लूथर भी यहां रहे थे। उन्होंने बाइबल के न्यू टेस्टामेंट का जर्मन अनुवाद यहीं किया था। 1817 में छात्रों ने इस कैसल में विरोध प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकाली थी। वो एक एकीकृत और स्वतंत्र नेशन स्टेट की मांग कर रहे थे। बार्टबुर्ग कैसल एक मजबूत किले, हॉस्टल और रिहाइश के रूप में इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। रुंकल कैसल लिम्बुर्ग के पास मौजूद है। ये लान नदी के ऊपर एक खड़ी ढलान वाली चट्टान पर बना हुआ है। इसका पहला जिक्र 1159 में हुआ था, लेकिन ये शायद उससे भी पुराना है। इसे लान नदी के पुल को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। अभी निचले कैसल में एक म्यूजियम बना हुआ है। उसके बाकी हिस्सों में लोग रहते हैं या उन्हें सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊपरी किला अब एक खंडहर है जहां आप घूमने जा सकते हैं। सैक्सनी अनहाल्ट राज्य का रूडल्सबुर्ग किला जाले नदी के ऊपर बना हुआ है। शायद इसे नाउमबुर्ग के बिशपों ने मध्यकाल में व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए बनाया था। इतने समृद्ध इतिहास के बाद आखिर में इस कैसल को जलाकर राख कर दिया गया। आज ये एक लोकप्रिय जगह बन चुका है जहां एक रेस्तरां भी है। अब हम मीर्ट्सबुर्ग किले की ओर चलते हैं। लेक कॉन्स्टांस के पास बना ये कैसल बहुत खूबसूरत दिखता है। इसे जर्मनी का सबसे पुराना रिहायशी किला माना जाता है। इसके 30 से ज्यादा कमरों में मध्यकाल को महसूस किया जा सकता है। यहाँ आप कैसल की रसोई, हथियारों और लड़ाकों के कमरों और यातना कक्ष में घूम सकते हैं। हालांकि ये कैसल सबसे ज्यादा इस बात के लिए मशहूर है कि 19वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध जर्मन कवयित्री आनेट फोन ड्रोस्टे ह्यूल्सहॉफ यहाँ रहा करती थी और उन्होंने आखिरी सांस भी यहीं ली थी। आज का सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये ऐतिहासिक और नायाब किले पसंद आए होंगे।